हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं BHU 2020 ओके उसकी की BHU MSc Zoology 2020 की। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने पार्ट फर्स्ट मॉर्निंग में अपलोड कर लिया था, उसके मैं देती क्वेश्चन नंबर 1 to 40 ओके। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस तो नहीं मीन्स की बताई थी, डिस्कस तो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बाद में आराम से कराऊंगी ओके नाउ। तो यहाँ पे मैं पार्ट सेकंड में डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 41 to 80 ओके। तो एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो मेरा पार्ट थर्ड होगा उस पार्ट थर्ड के अंदर आप क्या करना कि पार्ट थर्ड की में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, तो पार्ट थर्ड में आपकी टोटल 120 क्वेश्चंस में डिस्कस कर लूँगी। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका करेक्ट हुआ उसका +1 +3 ऐड करना, एंड जो भी आपका माइनस हुआ तो उसका -1 ऐड करना। फिर जो भी आपकी कैलकुलेशन है ऑल ओवर, जो भी आपका कट ऑफ निकल रही है मीन्स आप अपने हिसाब से जो भी आपकी मार्क्स निकल रहे हैं वो आप मुझे कमेंट में बताना ओके। तो आप सबकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबके सब मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके क्या कट ऑफ रही ओके। तो इससे ये होगा कि हमें सबको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितनी हाईएस्ट मार्क्स कितने जा रहे हैं ओके। तो इससे आप सभी को फ़ायदा ही होगा ना। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी BHU जूलॉजी का एग्जाम दिया है ओके। तो इससे ये प्रॉफिट होगा कि वो लोग भी इस वीडियो में कमेंट करेंगे पार्ट थर्ड के अंदर, तो आपको भी अपना कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा ओके। तो कल आई थिंक कल के अंदर में मैक्सिमम कट ऑफ आ ही जाएगी, और तो उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी या फिर पोस्ट के थ्रू बता दूंगी कि एवरेज कट ऑफ क्या होने वाली है ओके नाउ। तो स्टार्ट करते हैं, बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। यही चीज़ बता रही हूँ कि ऑफिशियल की नहीं, ऑफिशियल की आपका 2 वीक के बाद आएगी। तो वही है कि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं आंसर्स। एंड थर्ड चीज़ ये कि बहुत से स्टूडेंट के पार्ट फर्स्ट के अंदर कमेंट्स आए कि इसका आंसर ये होना चाहिए या इसका आंसर ये होना चाहिए। इट्स ओके, आपके कमेंट्स में आराम, मैं देख रही हूँ, मुझे पता है कि आप क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो ओके। तो उसका भी रिप्लाई मैं पार्ट थर्ड के अंदर दूंगी ओके। तो जो भी आपके डाउट्स है पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड में, पार्ट थर्ड थोड़ा सा नाइट में अपलोड कर लूँगी, जिससे क्या होगा आप जितना कमेंट करना है आपको पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में वो कर लेना, उसका डिस्कस मैं पार्ट थर्ड के अंदर कर लूँगी ओके। तो यहाँ पे ये सेट 3 है ना, सेट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट की ये भी कमेंट है कि मैम हमारा तो सेट फर्स्ट था, आप सेट थर्ड डिस्कस कर रहे हो, फर्स्ट भी कर लो। तो आपको पता ही है ना आपको क्या आंसर, आपने क्या आंसर लिखा, तो आप उसके हिसाब से कर लो ना। अब सेट फर्स्ट तो मैं कहाँ से लेके आऊँगी है ना, मेरे पास ओनली सेट 3 अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे आपको 41 से स्टार्ट करते हैं ओके। 40 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 इज़ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोअन इज। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे है क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है ना। तो वेजाइनलिस मीन्स की क्या है, वेजाइना मीन्स ये फीमेल को कॉज करता है। तो यहाँ पे जो आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट ना। क्वेश्चन नंबर 42, फीलियल वॉर्म दैट कैन बी सीन इन द कॉन्जिक्यूटिव ऑफ द कंजक्टिवा इन ऑफ वी आईज। तो यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था है ना। जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ पे मीन्स जो रेगुलर पढ़ रहे हो तो उनको पता है कि इसका आंसर क्या है, दैट इज़ द लोवा ना। क्वेश्चन नंबर 43, हुकवॉर्म इन्फेक्शन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो यहाँ पे हुकवॉर्म से क्या होता है कि एनीमिया हो जाता है, एंड एनीमिया किसकी वजह से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 44, डायबिटीज इनसिपिडिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये जो होता है ये आपका जो 44 है इसका वैसोप्रेसिन होगा ओके। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 45, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। तो किसके थ्रू, ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है, दैट इज द लीडिंग सेल्स। ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपका करेक्ट। क्वांसिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ। तो यहाँ पे हाइपर सिक्रेशन क्वेश्चन नंबर क्या 46, इसका आंसर है आपका एडिनल कॉर्टेक्स ओके। इसके हाइपर सिक्रेशन से ये सिंड्रोम्स हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिलीज बाय पैंक्रियाज व्हेन ब्लड शुगर लेवल फॉल। मीन्स ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम है, तो शुगर लेवल कम हो गया मीन्स शुगर के लेवल को बढ़ाना होगा, तो बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज आता है, दैट इज द ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है ओके। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट ना। लेप्टिन इज केमिकल विच रिलीज फ्रॉम दी, ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है ना। तो ये क्या करता है कि
लेप्टिन है वो रिलीज करता है फ्रॉम दी फैट सेल ऑफ द एडिपोज टिश्यू. ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका करेक्ट, दैट इज द एडिपोसाइट फैट सेल. नाउ क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रिलीज फ्रॉम न्यूरोन इन द जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड कॉज स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन. ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज द वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड VIP. नाउ रानीखेत डिजीज करीन, तो ये आपको पता है पोल्ट्री फार्मिंग होता है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है करेक्ट. नाउ कॉमन नेम ऑफ स्टिफिलस ओराइज़ी इज, ओराइज़ी आपको मैंने जब एक्सप्लेनेशन दे रही थी तो आपको बोला था मैंने है ना कि ये जो सीयल्स की जो भी आपका लाइक जो भी इनकी नेम है साइंटिफिक नेम है ना वो वहाँ पे वीट वीवल का दे रखा था, पल्स बीटल का दे रखा था, अब यहाँ पे आपको राइस बीटल का पूछ लिया गया तो वो है आपका ओराइज़ी है ना, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट. राइस के अंदर ये होता है ओके, और इसी के नाम से इसका नाम दे दिया गया. ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट. ये बहुत पतली सी होती है, इतनी स्पीड से भागती है ना ये वाली बीटल. नाउ क्वेश्चन नंबर 52, द टर्म मल्टी वॉलेटाइन इज रिलेटेड टू, तो मल्टी वॉलेटाइन रिलेटेड टू सेरिकल्चर. ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट. ब्यूबोनिक प्लेग इज इवॉल्विंग, सो ये किस में होता है, रैट इंसेक्ट बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट. ओके, क्या लिखा है, इजिंग ग्लास यूज फॉर क्लियरिंग दी वाइन एंड विनेजर इज डिराइव फ्रॉम, तो श्योर सी बात है यह कहाँ से डिराइव होती है, फ्रॉम दी स्विम ब्लेडर ऑफ द फिज. इन स्पेक्ट्रोमीटर द फंक्शन ऑफ मोनोक्रोमीटर इज दी, तो इसका आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड, डिवाइड अ बीम लाइट इन टू अ कंपोनेंट वेवलेंथ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 56, इफ वन, यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ना, इसका हमें फार्मूला पता है, हमने सॉल्व करना था ना 0.61 into lambda upon NA, तो जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो लैम्डा की वैल्यू है वेवलेंथ इज़ द 450, एन इज़ द न्यूमेरिकल एपरेचर दैट इज़ द 0.94. ओके, एंड आपको क्या करना है कि 0.61 into lambda मीन्स ये आपका 450 nanometer अपॉन NA इज़ द 0.94. जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, आपका आएगा 292, मीन्स अप्रोक्स किसके बराबर है, ये किसके पास तक है, लगभग ये आपका 300 nanometer. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 57, वॉट RPM ऑफ द साइंटिफिकेशन मस्ट बी सेट हैव एन RCF ऑफ 1 RG इफ एवरेज R वैल्यू इज 4. तो यहाँ पे क्या है कि आपको RPM का फॉर्मूला पता होना चाहिए है ना, ये जो फॉर्मूला आप पुट करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज़ द 48,000. ओके, इस ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट. नाउ यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला आप ये वाला यूज़ करना है दैट इज़ द RCF इज इक्वल टू 11.2 into R. ओके, RPM स्क्वायर अपॉन 1000. ओके, ये आर थोड़ा बाहर आएगा, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसके अंदर RPM आपको जो निकालना है निकाल देना, RCF की दे रखा है. ओके, सो ऑप्शन नंबर 48 होगा आपका करेक्ट. ओके, 48,000 करेक्ट होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट एंड अफेक्ट द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, तो कौन सा नहीं करता है, दैट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर. ओके, इस ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज क्रायो प्रोटेक्टेंट. ओके, दैट इज अ ग्लिसरॉल. ओके, तो प्रिजर्वेशन के लिए यूज आता है दैट इज अ ग्लिसरॉल. I-131 एमिट मेनली, तो ये जो आयोडीन है ओके दैट इज अ गामा रेस, एमिट मेनली गामा रेस, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका करेक्ट. नाउ तो यहाँ पे ओके क्वेश्चन नंबर आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर ऑफ ड्यूटोस्टॉम, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज द क्लीवेज रेडियल इंटरमीडिएट माउथ एराइज फ्रॉम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ब्लास्टोपोर इंटरसिलम, सो यहाँ पे आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नाउ मैच ऑफ द फॉलोइंग लार्वा फॉर्म, तो यहाँ पे आपको मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि लार्वा के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा है ना, लिस्ट तैयार रखना, आई होप आप पूरा एकदम प्रिपरेशन के साथ गए होंगे. सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैच करता है सेकेंड. ओके,
ए का है आपका सेकंड, ए का है सेकंड, इकाइनो इकाइनो यहाँ से ऐसे ही आइडिया लग जाता आपको नाउ, तो ए का सेकंड होते ही आपका जो आंसर है आ जाता वैसे, है ना। नाउ बी का फर्स्ट दैट इज़ द आरिक्लियर, यहाँ पे है होलोथीरिया, ओके इस ऑप्शन नंबर, एंड सी का आपका है फोर्थ, ओके तो ऐसे करके आप मैच करते तो आपका आंसर आता ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये चीज़ें मैंने आपको बोला था कि लार्वा बहुत ज़्यादा आएगा, है ना, लार्वा का एक क्वेश्चन से मिल ही जाएगा मेनली, जो जो मैंने मैक्सिमम बोला है कि ये है, आप याद करके जाना एंड उस पर क्वेश्चन तो आ ही गया है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, द इंटरनल कैलान ऑफ इकाइनोडर्म कनेक्टेड विद सी वाटर आउटसाइड थ्रू अ स्ट्रक्चर नॉन एज, तो आउटसाइड द स्ट्रक्चर दैट इज द मैट्रोपॉइड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ है करेक्ट, इसका एक बार देख लेना स्ट्रॉन्ग कैनाल है या फिर मैट्रोपॉइड्स है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, टॉर्जन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द लार्वा डेवलपमेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलस्कस क्लास, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है, इसका आंसर है आपका 64 का सेकंड, ओके गैस्ट्रोपोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, एक्सचेंज ऑफ फूड बिटवीन वन इंसेक्ट टू अनदर इंसेक्ट, अदर इंसेक्ट इज नॉन एज दैट इज द ट्रोफेलो एक्सिस, ओके सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पॉजेज एटोक एंड एपिटोक रीजन, ये इनडायरेक्ट वे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पिक्चर के साथ समझा ही दिया था, ये आपका नेट्रोनेरिस का सिर्फ डायग्राम मैंने बताया था आपको, है ना, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, इन पॉरीफियन डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज ऑब्जर्व, फाइंड आउट द करेक्ट, तो मैंने भी आपको बोला था कि कैनाल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी एग्जाम्पल लर्न करके ही जाना, आई होप आपने मेरी सुनी होगी। सो यहाँ पे आपका 67 का है थर्ड करेक्ट, ओके दैट इज द यहाँ पे, ओके इस ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पे करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल करेक्ट मैच, ओके वेट क्वेश्चन नंबर 68, ओके तो यहाँ पे करेक्ट मैच पूछना था, ये तो आप इतने पेपर सॉल्व किए तो सब में कुछ ना कुछ आ ही गया था बीच में, है ना, तो यहाँ पे क्लास एंड जीनस दे रखा, ऐसा यहाँ पे नहीं दे रखा है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है फोर्थ करेक्ट, ओके गैस्ट्रोपोड्स मेट्रोइड्स टिश्यू यहाँ पे हिरुडिनिया में, फ्लैम सेल्स किसके अंदर है ट्रीमेटर में, है ना, तो ये आपको पता है, सो ऑप्शन नंबर 68 का फोर है करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल करेक्ट मैच, ओके कौन सा करेक्ट मैच है, कौन सा है 69 का आपका फोर है करेक्ट, ओके पॉलीकिड्स सिफेलोकोड्स या एस्टिडा पेंटिया सीरीज, ये आपको ऐसे ही पता चल जाता है ना, क्लास एंड जीनस दे रखी है, मैचअप करना था ये तो आपने आराम से कर लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका है 69 का फोर, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 70, ओके स्ट्रक्चर लाइक पॉलियन वेसाइकल ट्रेडमेंस बॉडीज कैन बी यूज एज आइडेंटिफाई फीचर्स ऑफ, तो कहाँ पे किसका आइडेंटिफाई फीचर्स किसके में मेनली होता है दैट इज इकाइनोडर्म्स, ओके सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। फेरेंजियल गिल स्लिट आर, तो ये जो है ये आपका नॉर्मली जो कॉर्डेट है कॉर्डेट के अंदर आपको मिलेगा, है ना, यूनिक फीचर है कॉर्डेट का, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है आपको, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नोटोकोड डज नॉट प्रजिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, वही है कि नोटोकोड पूरी लाइफ में प्रेजेंट नहीं होती है, वो आपका आंसर 72 का फोर है टूनिकेट्स, ओके ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पे वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म पूछा गया है, तो ये जो फिश दे रखी है सबके सब फिश नहीं है, है ना, कोई इकाइनोडर्म्स है कोई मॉलस्का है कोई सिफिलोपोड्स है कोई स्नेल है, तो यहाँ पे जो फिश है दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकेंड, ओके ग्लोब फिश। नाउ इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है ग्लोब फिश को। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, द बर्ड ईमू इज फाउंड इन, तो ये आपको पता ही है कि जो ईमू होता है वो अमेरिका सॉरी 74 जो ईमू होता है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट होता है ना, सो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका करेक्ट, ईमू ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, वर्टिब्रेट्स आर,
तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं दैट इज़ द एंटियोसीलम्स एंटियोसीलस तो आपको मैंने एंटियोसीलस ओके तो आपको मैंने ये बोल रखा था कि ये सारे क्या सिलोम्स है क्या वो है क्या सिमेट्री है ना, एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन करके जाना, हर पेपर में मैंने ये चीज़ बोली थी। आई होप आपने मेरी बात मानी होगी। सो आपने ये आंसर करेक्ट किया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, सेंट्रम प्री एंड पोस्ट जाइगोफाइसिस इन ट्रांसवर्स प्रोसेस अ पार्ट ऑफ, ये भी क्वेश्चन रिपीटेटिव है एंड ये आपका है वर्टिब्रे ऑफ फ्रॉग। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 77, द व्हील ऑर्गन इज फाउंड इन, कहाँ पे किसके अंदर होता है, ये एम्फियोक्सिस में होता है और एम्फियोक्सिस इज आल्सो नॉन एज द लैंसेट। ओके सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, स्नेक आर थ्रू दी हाउ इवॉल्व फ्रॉम, तो कहाँ से इवॉल्व हुए थे, बोला जाता है कि लिजर्ड से है ना, सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट, 78 का थर्ड करेक्ट। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 79, विच पार्ट ऑफ द एमनियोट एग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग वेस्ट, तो यहाँ पे आपका स्टोरिंग वेस्ट दैट इज 79 का है आपका 4, ओके एलनटोनिस। ओके सो ऑप्शन नंबर 80 में अगेन मैंने आपको बोला था है ना कि कौन सी क्या स्केल्स होती है, सब लर्न करके जाना, आई होप सब लर्न करके गए होंगे। ओके तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 4। ओके प्लेकोइड स्केल स्कॉलिडोन में मिलेगी, साइक्लोइड स्केल लेबियो में मिलेगी एंड टेनोइड स्केल आपके एनाबियस में मिलेगी, सो ऑप्शन नंबर 4 थे आपका करेक्ट। ओके तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया टोटल 40 क्वेश्चंस, मींस 1 to 80 क्वेश्चंस डिस्कस किया की बना चुकी हूँ। ओके अब जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर मैं नेक्स्ट 40 इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके साथ पूरी की डिस्कस कर ली जाएगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, लास्ट पार्ट के अंदर सबको सारे स्टूडेंट को अपने अपने मार्क्स बताने हैं। ओके जिससे बस ये होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किसकी क्या कट ऑफ है क्या जाएगी है ना, तो मैं आपको एक होता ना इंट के हिसाब से, क्योंकि 1000 अप्रॉक्स काविस अकेडमी भी स्टूडेंट है उससे ज़्यादा ही होंगे है ना, तो सब के सब एक बार कमेंट जरूर करना। वही है कि ज़्यादा 100 से कम आए तो वो नहीं करेंगे, बट वही है कि मे बी आपका नंबर आ भी सकता है, क्योंकि अगर आप बी एच यू जनरल से हो,